नुपुर शर्मा ने बिना परिणाम सोचे ही अनर्गल और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। देश में जो भी हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले ही जिम्मेदार है। उन्हें टीवी पर आना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने बहुत देर से माफ़ी मांगी और उन्होंने माफ़ी मांगी भी अगर भावनाएं आहत हुई है कहकर सशर्त मांगी थी। ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को नुपुर शर्मा पर किए। नुपुर अपने ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन उन्हें जजों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये जज हैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला। अब जानते हैं कि नुपुर शर्मा मामले की सुनवाई में शामिल रहे जज जस्टिस जमशेद बुरजोर यानी कि JB पारदीवाला कौन है। दरअसल जस्टिस पारदीवाला से जुड़े चर्चित केस और सख्त टिप्पणियों के बारे में आज हम बताने जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं पहला केस, रिजर्वेशन पर टिप्पणी से घिरे और महाअभियोग तक लगाया गया इनके लिए। पहला मामला था ये, और ये बात है दिसंबर 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस JB पारदीवाला आरक्षण सिस्टम पर कमेंट्स किए थे, जिस पर देश भर में बवाल मच गया था। उन्होंने ये टिप्पणी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ लग रहे राजद्रोह के मामले को खारिज किए जाने की वजह से की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा था कि अगर कोई मुझसे देश को बर्बाद करने वाली या उससे सही दिशा में तरक्की करने से रोकने वाली दो चीज़ों का नाम पूछे तो मैं कहूँगा आरक्षण और भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा था देश की आज़ादी के 65 साल बाद किसी नागरिक का आरक्षण मांगना बहुत ही शर्मनाक है। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो माना गया था कि आरक्षण 10 साल के लिए रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ये देश की आज़ादी के 65 साल बाद भी जारी है। पारदीवाला के इस कमेंट पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इस टिप्पणी से नाराज 58 राज्यसभा सांसद जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रस्ताव लाए थे। महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने अपने कमेंट से आरक्षण को लेकर किए गए कमेंट्स को यह कहते हुए हटा दिया था कि ये प्रासंगिक और जरूरी नहीं है। दूसरा कैसा था, कोविड मैनेजमेंट को लेकर गुजरात सरकार पर जब वो भड़के थे। मई 2020 में गुजरात सरकार के कोविड से निपटने के मामले में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उन्होंने 2 जजों की बेंच में शामिल थे। जस्टिस पारदीवाला ने बेहद तल्ख कमेंट किए थे। उन्होंने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की तुलना काल कोठरी से की थी। उन्होंने कोविड मैनेजमेंट के मामले में गुजरात सरकार के सब कुछ ठीक है वाले नैरेटिव को ही नहीं माना था और उसे क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था। उस समय जस्टिस पारदीवाला ने गुजरात में प्रवासी मजदूरों के पलायन और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में हो रही मौतों से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स के बाद खुद संज्ञान लिया था। कुछ दिनों बाद ही जस्टिस पारदीवाला को उस बेंच से अचानक हटा दिया गया था। इसके अलावा CBI की और IB को लेकर भी उन्होंने कहा था कि आप जजों को लेकर के गंभीर नहीं। ये भी बहुत सख्त टिप्पणी थी उनकी। अगस्त 2021 में जजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत पारदीवाला की एक बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को आड़े हाथों लिया था। बेंच ने कहा था IB, CBI और पुलिस न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था ऐसे क्रिमिनल केस जिनमें गैंगस्टर्स और हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हों उनमें जब आरोपी को कोर्ट से उसके मन मुताबिक आदेश नहीं मिलता है तो न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। राज्यों में कुछ जगहों पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को धमकाया जा रहा है, न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी। उन्हें व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब के जरिए धमकी भरे मैसेज भेजे जाते हैं। ये क्या 2 जगहों पर कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया, लेकिन CBI ने आदेश के 1 साल बाद भी कुछ नहीं किया। अब दूसरा मामला जो है, मतलब जो एक और केस है उसके बारे में बात करते हैं। PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में केंद्र पर भड़के थे। इस साल की शुरुआत में पंजाब की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में सुनवाई करने वाली 3 जजों की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। इस बेंच के 2 अन्य जज CJI NV रमन्ना और हिमा कोहली थी। मामले की सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच ने केंद्र के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और DGP को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि केंद्र ने पहले से ही सारा अनुमान लगा लिया है, तो उसने कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप के लिए क्यों कहा। जस्टिस सूर्यकांत सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि आप कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है, क्या कोई उल्लंघन हुआ, इसकी जांच के लिए आप एक समिति का गठन करना चाहते हैं और फिर क्या आप राज्य के चीफ सेक्रेटरी और DGP को दोषी मानते हैं, उन्हें किसने दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। इसके अलावा एक और विवाद में जो नाम रहा उनका, वो जो बता देते हैं आपको, लाइसेंसी बंदूकें जो हैं हर्ष फायरिंग के लिए नहीं है, ये भी अपने आप में एक उन्होंने टिप्पणी की थी।
अपने एक फैसले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल जश्न मनाने के लिए फायरिंग में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आत्मरक्षा या फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए मिली लाइसेंसी बंदूक को जश्न के आयोजनों में नहीं चलाया जा सकता, ऐसा करना खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत आर्टिकल 370 CAA और पेगासस समेत कई अहम केसेस की सुनवाई में भी शामिल रहे हैं और ऐसे कई अहम मुद्दों पर अपना बयान देते रहे हैं। हालांकि जस्टिस पारदीवाला जो हैं वो अपने बेबाक और तल्ख टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। वो जब हाई कोर्ट में भी थे तो भी इस तरीके की तल्ख टिप्पणी करने में, वो सरकारों को भी आड़े हाथों लेने में कभी परहेज नहीं करते। फिर चाहे केंद्र की सरकारें हों या राज्य की सरकारें हों, अगर किसी भी सरकार की कमी या खामी नज़र आती है तो वो बिना परहेज किए, बिना किसी दबाव को महसूस किए सीधी तल्ख टिप्पणी करते हैं। जस्टिस GB पारदीवाला को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।